तालाब में मिली युवक की लाश। मामले में एसपी से मिले परिजन। ज्ञापन सौंपकर बेटे की मृत्यु की जांच की मांग की। एसपी ने दिया जांच का आश्वासन। गुनागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंहवासा तालाब में गत 3 अप्रैल को मिली लाश के मामले में गुरुवार को मृतक के परिजन एसपी से मिलने पहुंचे। परिजनों ने बताया कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल डिटेल्स एसपी को सौंपी हैं, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने बारीकी से जांच करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि युवक 3 दिन से घर से गायब था, जिसकी लाश सुबह सिंहवासा तालाब में तैरती हुई मिली। ज्ञापन में परिजनों ने बताया कि उनका बालक गुना में रहकर पुलिस की तैयारी कर रहा था। इसी बीच प्रदीप ओझा पुत्र सुरेश ओझा निवासी लुकवासा की लाश सिंहवासा तालाब में पाई गई। पुलिस को भी शक था कि 3 दिन बाद प्रदीप आखिरकार तालाब के पास कैसे पहुंचा और तालाब में कैसे डूबा। वहीं मृतक के परिजनों को भी मृतक के पास में रहने वाले एक लड़के और एक लड़की पर शक जाहिर किया है, जिनकी कॉल डिटेल्स मृतक के मोबाइल से मिली हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर मृतक के परिजनों ने एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। मेरे बच्चे की लाश का कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली। बच्चा मृतक मर चुका। 3 अप्रैल में लाश मिली सिंहवासा तालाब से। अभी तक ना तो उसका कोई सुराग मिला कि किसने क्या किया, किसने कैसे मरा, कैसे नहीं मरा। अब मेरी जो औलाद चली गई और मैं अब क्या करूं? सही बात। जलता हुआ चिराग बुझा दिया दुश्मन ने, लेकिन उसके विषय में कोई पुलिस में जानकारी नहीं गई और मैं ऐसे ही करता रहा हूँ। कितने बच्चे थे यहाँ पे? कितने बच्चे यहाँ? 4 बच्चे थे। 3 दिसंबर का था। जी क्या करने आए थे जी भाई? पढ़ता था जवान। पढ़ते थे? कौन सी क्लास पढ़ते थे? ये पुलिस की तैयारी कर रहा था। तो जी घटना कैसे हुई? लगभग घटना भगवान जाने। मैं तो अब लुकवासा रहता हूँ, मुझे जानकारी नहीं। मुझसे हर महीने पैसे लिए जाता था खर्चा के लिए और यहीं पे रहता था और बहन के यहाँ खाना खाता था। अब मुझे जानकारी नहीं है। ये तो 1 तारीख को 11 बजे बच्ची ने फ़ोन किया कि पापा ना तो वो खाना खाने आया प्रदीप, ना चाय पीने आया। जब से मिला नहीं। मैं आया वहाँ से, मैं और छोटा भाई मेरा बजे तो वह वहाँ पर हम ढूला ढाई करी, हमने सबरे में नहीं मिला। तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है इस संबंध में? मंगलवार को पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है इस संबंध में? भगवान जाने कर रही है कि नहीं कर रही। मैं कैसे कहता हूँ? मैं आता हूँ जब यही कहते हैं। एसपी साहब ने क्या बोल दिया? पीएम रिपोर्ट नहीं आई। अब एसपी साहब ने क्या बोल दिया? एसपी साहब बोले इसकी बारीकी से जाँच करवाएंगे, कहीं आप चिंता मत करो, जाओ। आप क्या उनके पिताजी हैं? मैं उनका प्रदीप का पापा हूँ।